सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साइकिल के बारे में। मतलब लास्ट टाइम आप देखेंगे तो लगभग मैंने 3 वीक पहले आपको इस टाइप का प्रेडिक्शन दिया था जो करंट मार्केट अकॉर्डिंग टू द RSI फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने 3 वीक पहले का वीडियो नहीं देखा तो रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया हूँ और आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि मार्केट ने जो हमने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो के अंदर मार्केट एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन करो। फायदा क्या आपका इसका? फायदा ये रहेगा कि यहाँ पर हम सिग्नल और टेक्निकल एनालिसिस पोस्ट करते हैं अल्टकॉइन सीजन एंड होने के लिए। मैं समझता हूँ इस बुल रन का ही बस एक लास्ट होप है, जो मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसके बाद फिर हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा स्पॉट में इनकम करने के लिए। अच्छा इनकम करना चाह रहा तो टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो। बैक टू टॉपिक, मेनली अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ BTC का, जो हमने कल एनालिसिस किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉइनबेस हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किए थे और मार्केट उस टाइम लगभग था यहाँ पर, ठीक है, $32,000 का, और मार्केट है एग्जैक्टली जो हमने लाइन चार्ट के हिसाब से जो लेवल को डिटरमाइन किया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लाइन चार्ट मार्केट ने जो लेवल था उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करके पुल बैक किया और मार्केट ने होल्ड करने के बाद अपसाइड में मूवमेंट लिया है। अभी नेक्स्ट क्या, अब मार्केट तो ब्रेक हो चुका है क्या? इसका मतलब ये है कि मार्केट बिल्कुल बुलिश हो चुका है। देखिए याद रखो जो हमारा मेजर जो टाइम फ्रेम में हमारा जो मार्केट स्ट्रक है, जैसे कि इस वाले रेंज को आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी, इस वाले रेंज को देखो, जब तक मार्केट इस रेंज में है नो वन इज बुलिश और बियरिश, बिल्कुल एक न्यूट्रल साइडवेज स्ट्रक्चर है। बट यस, हम मार्केट में एकदम बुलिश तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट धीरे धीरे पैटर्न्स को ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने वही किया, मार्केट ने पहले तो एकदम लोअर लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद थोड़ा हायर मूव किया, फिर ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, पैटर्न को ब्रेकआउट किया। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास 3 लेवल है, ठीक है, आपका 33,800 का, दूसरा है आपका 35,600 का और तीसरा है आपका 36,200 का। ये मैंने यहाँ पर देखा पैटर्न रेजिस्टेंट लेवल भी क्रिएट किया है। देखिए लोअर ट्रेंड चेंज के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो मार्केट को इस लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा इस लेवल पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछले वक्त का एक लेवल था, सपोर्ट था और यहाँ पर उसने रेजिस्टेंट की तरह भी इसको काम किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पिछले वक्त का भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंट मिल रहा है, मतलब एक लॉन्ग टर्म से इस लेवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला है, तो थोड़ा बहुत आपको इस लेवल पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को चला जाता है 36,100 को, तो भी चांसेस है कि मार्केट जो हायर रेजिस्टेंट जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है 42,000 से लेकर 40,000 का, मार्केट वहां तक भी जाए। अब अगर मार्केट $42,000 के अपव जाएगा तो ही हम बुलिश है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके पहले हम बुलिश नहीं है। अभी बहुत से लोग ये सोच रहे कि यार मार्केट तो बड़ा हेल्दी दिख रहा है, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन है, बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि मार्केट ग्रीन नहीं है, बोलता मार्केट बिल्कुल ग्रीन है, काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। जब से इलॉन मस्क जैक डोर्सी का जो इंटरव्यू हुआ था या जो आप कहेंगे वार्तालाप हुए थे, उसके बाद से ही बिटकॉइन के अंदर हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट बनने को देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं जो ऑन चेन डेटा हमको मिल रहा है, ऑन चेन एनालिस्ट, वो तो मतलब मैं समझता हूँ ऑन चेन डेटा एनालिस्ट आने के बाद हमको क्लियरली मैनिपुलेशन से बचने का साइन मिल जाता है। मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ऑन चेन डेटा के बेस पर हम एग्जैक्टली टॉप पर सेल कर सकते हैं, लेकिन यस, जहां पर मार्केट मैनिपुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, हम ऑन चेन डेटा के बेस से हेल्प लेके हम समझ सकते हैं कि भाई अभी मार्केट में एग्जैक्टली टॉप या बॉटम क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, या मार्केट फालतू में ही एक्युमुलेट हो रहा है। तो काफी ज्यादा ऑन चेन एनालिस्ट की ओर से भी प्रेडिक्शन आ रहा है कि मार्केट और भी ज्यादा हायर जाएगा, आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा उसके एनालिसिस। तो फिल वक्त में जो यहाँ पर बात हम करने वाले हैं बेसिकली RSI डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो वीडियो को जाकर देखो, जिस टाइम हमने वो वीडियो क्रिएट किए थे, जिस टाइम वीडियो बनाए गए थे, उस टाइम RSI लगभग मैं समझता हूँ 44 इसके आसपास कहीं पर तो भी था। अब मार्केट ऑफ फाइनल इस डाउन ट्रेंड लाइन का जो लेवल था उसको मार्केट ने हेल्दी तरीके से ब्रेकआउट किया हुआ है। अब ये मेन चीज यहाँ पर एक जो सिनेरियो बन सकता है वो ये कि मार्केट यहाँ पर पुल बैक करेगा RSI और उसके बाद मार्केट हायर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले के सिनेरियो में भी ये चीज हमको काफी बार देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखो मे बी अगर मैं उस लेवल को प्रॉपर पकड़ पाऊँ, जो लेवल था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद एक अच्छा खासा हायर जंप लिया था, मतलब
आप अगर इस लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली ये तो कोरोना वायरस का क्रैश हुआ था, तो ये आरएसए यहाँ पर वापस डाउन आया था इस लेवल पर, उसके बाद मार्केट हायर गया था। तो मेनली यहाँ पर बताना ये है कि अभी भी मार्केट में आरएसए को डेली टाइम फ्रेम में अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया हुआ है। अभी देखना यही है कि इस लेवल को वो एज अ पुल बैक को टेस्ट करने के बाद क्या मार्केट वापस हायर जाता है या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैटर्न्स में भी आपको आरएसए के अंदर भी मल्टीपल पैटर्न्स में समझते हैं यहाँ पर बन रहे, राइट है, नॉट प्रॉपर 100% कंफर्म पैटर्न है, बट थोड़ा बहुत हम उसको पैटर्न काउंट कर सकते हैं। तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट फिर और भी हायर लेवल पर जा सकता है। तो फिलहाल आरएसए बहुत हेल्दी तरीके से जा रहा है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शन किया था लास्ट एनालिसिस के अंदर, और उसी के हिसाब से यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मार्केट एनुअल टाइम के अंदर आरएसए का जो डाउन ट्रेंड लाइन के टारगेट्स, जैसे कि यहाँ पर है एक 80% पे और दूसरा है आपका 89%। देखिए आरएसए हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है हम मार्केट के ऊपर, एक एडवांस इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप करंट सिनेरियो में देखेंगे, जो मुझे समझ में आती है बात वो ये है कि भाई आरएसए और मार्केट दोनों बिल्कुल डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो प्राइस यहां से बिल्कुल लोअर लो जा रहा है और आरएसए एग्जैक्टली 20 लेवल को टेस्ट करने के बाद यहां पर लोअर हाई क्रिएट क्यों भी है। तो इसके हिसाब से तो एक चीज है कि मार्केट डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। जो लोगों को डाइवर्जन का आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी क्रिएट किया यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर सर्च करो डाइवर्जन की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो डाइवर्जन एक ऐसा रौता कंसेप्ट है जो कि एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट की प्रोवाइड करता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हमको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि जिस टाइम हम बिल्कुल एक नेगेटिव फेस में थे कि भाई मार्केट अगर 28 को बिलो जाता है तो 25 देगा, वो भी अभी बना हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मार्केट 42 के अबव नहीं जाएगा तब तक हम यही समझेंगे कि मार्केट अगर डाउन जाता है 28 के बिलो तो मार्केट 24 जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन बहुत सी बार ये भी चीज़ देखी गई है कि जब भी ज़्यादातर लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, या आम रिटेल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट हमेशा उसके अपोजिट करता है। मे बी ये वेल्स लोगों का अपना एक तरीका है मार्केट को मैनिपुलेशन करने का, तो उस टैक्टिक को फॉलो करते हैं। तो फिल वक्त में यहाँ पर इस लेवल को वॉच करो, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पर, तो एक पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो होपफुली ये पैटर्न भी हमारा ब्रेकआउट ले तो अच्छी बात है। अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई कंफर्म फॉर श्योर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी भी हो जाएगा, और स्टिल मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर बुलिश हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया था जहां पर मैंने 3 मेन रीजन आप सभी को एक्सप्लेन किए थे, वो वीडियो को आगे आपको बताता हूँ मैं। इसके अंदर मैंने बताया कि क्यों मुझे लगता है कि बिटकॉइन $3 लाख, यहाँ पर आप देखो 1 month पहले का वीडियो है जिसके अंदर मैं डिटेल में बताया हूँ 3 मेन रीजन वाई बिटकॉइन विल हिट $3 लाख। तो ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख लो। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। जो भी इंस्टेंट चेंजेस होंगे कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो अपडेट करने के लिए। इस वीडियो को सपोर्ट बनाए रखो, सपोर्ट है हमारा 500 लाइक्स का, तो भाई उस सपोर्ट को आप बनाए रखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके लिए मैं वीडियो ला सकता हूं। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपके ओर से कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इन वक्त में वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।